2 अक्टूबर 2019 सुबह 8:50 का टाइम है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में पेड़ों का जो पार्किंग में जो हाल है, मतलब 90% पेड़ खत्म हो गए हैं, 5-7 पेड़ बचे हैं। उनका पार्किंग में किस तरीके से गला घोटा हुआ है, एनजीटी के रूल के मुताबिक 100% वायलेशन है। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ कितने शहर के छोटे से लेके बड़े तक हर तरह के लोग आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, कोई इधर नहीं देखता। और इस मैं आपको सिर्फ एक या दो पेड़ का सिंपल दिखाऊंगा, सब पेड़ का यही हाल है। ऊपर एक ये बोर्ड भी लगा रखा है कि यहाँ खुले में मतलब थूकना पेशाब करना ये है जो अपराध है और जुर्माना लगेगा आपको पकड़े जाने पर। अगला पेड़ दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, ये सिर्फ मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, सब पेड़ों के पास ये हाल है। इसके ऊपर ओपन में जो है गंदगी फैलाने वाले पे जुर्माना है 500 रुपये, लेकिन नीचे पेड़ के पास जो गला घोटने पे कोई जुर्माना नहीं है। अभी मैंने रेलवे पुलिस से भी वहाँ चौकी में बात की, उनको मैंने कहा अपना व्यू बताओ कि आप जब लास्ट ईयर यहाँ इसी रेलवे स्टेशन के ऊपर पेड़ काटने के वजह से कंपनी के खिलाफ FIR हुआ था। मैंने पूछा कि पेड़ गला दबा के मारने में और कुल्हाड़ी से काटने में क्या फ़र्क है, मर्डर बराबर है, इससे पेड़ मर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हमें कोई लिख के देगा तब हम कार्रवाई करेंगे, हमें कोई आई विटनेस चाहिए। आई विटनेस मेरे मुताबिक वो होता है कि कोई अपराध होकर चला जाए तो उनको बताने वाला हो कि वो हो। ये तो सामने है, कोई कभी भी आके देख सकता है, कोई छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी देख सकता है। इस पेड़ का नंबर है 88। ये नीचे से अब बीमार होना शुरू हो गया है, दिमाग लगना हो गया, क्योंकि बिना पानी इसको ताकत नहीं मिलेगी और ये पेड़ अपना अंतिम गति को प्राप्त होगा और फिर कार वाले हैं उनके लिए और अच्छी जगह बन जाएगी और धूप में अच्छा सीखेंगे हम। मैं जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे मेरी अपील है कि तुरंत NGT के रूल के मुताबिक हर पेड़ को स्पेस दें और जो पार्किंग नंगा कर दिया और जो यहाँ इतने पेड़ थे जो मार दिए, तो वहाँ भी पेड़ प्रॉपर लाइन वाइज लगाए जाएँ, नए पार्किंग की दिक्कत हो और हरा भरा रहे। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं तो उसमें एनवायरनमेंट का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वर्ल्ड क्लास छोड़ के ये चंडीगढ़ के लेवल का भी नहीं बनेगा। धन्यवाद।